नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर MDU में कौन कौन से कोर्स में एडमिशन चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको बता देता हूँ कि कैसे पता करना है। सबसे पहले तो सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर सर्च बार में चले जाना है अपने। किसी भी आप ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहां पर सर्च बार में आ जाओगे, तो यहां पर आपको टाइप कर देना है MDU। जैसे ही आप यहां पर MDU रोहतक आपको लिख देना है और यहां पर कर देना है सर्च। जैसे ही आप यहां पर सर्च करोगे, अदरवाइज़ आपको यहां पर आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप देखिएगा MDU.ac.in, आपको यहां पर MDU मिल जाएगा। यहां पर आने के बाद सिंपली करना क्या है, आपको MDU वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करना है ऊपर की साइड में। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एडमिशन ओपन 2020 और 2021। तो यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई फॉर एडमिशन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्लिक हर टू अप्लाई फॉर एडमिशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये जो आपको FS दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, आपको FS पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर वो कोर्स आ जाएंगे जिनके अंदर एडमिशन चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MBA ईयर इंग्रेटेड MA, ये लगभग इनकी जो लास्ट डेट है वो लगभग 31 तारीख 10वां महीना 2020 तक रखी गई है। यानी कि इनके अंदर एडमिशन चल रहे हैं। और भी इसमें जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कट कर दिया तो पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, आपको फिर बाद में दोबारा रिपीट करके देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आपको काफ़ी सारे कोर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग इनके आज जो डेट है आखिरी बोल 10वां महीना और 31 तारीख तक ही भरे जाएंगे। तो थोड़ा बैक जाता हूँ और भी बताता हूँ मैं। तो जैसे आप इसे और स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट 8 MDU, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है UTDAMA पे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्स दिखे जाएंगे। तो यहाँ पर MTech बायोटेक्नोलॉजी, MTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, MTech कंप्यूटर साइंस, अदरवाइज और भी कोर्स मिल जाते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आओगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी सारे कोर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको ये सभी चेक कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन एक बार डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर और भी कोर्स मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच, अदरवाइज काफ़ी सारे कोर्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से ही कोर्स करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर पाओगे। तो चलिए और भी बात करते हैं आगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप, तो यहाँ पर MDU कैप्स एट गुरुगांव, तो यहाँ पर गुरुग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको आ जाना है नीचे। तो यहाँ पर बहुत ही कम कोर्स है वैसे तो देखा जाए तो, जो अभी चल रहे हैं स्टार्टिंग में, कुछ की डेट जा चुकी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन साइबर लॉ करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेस, तो LLM फर्स्ट शिफ्ट CVCS। तो अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर कर पाओगे। तो चलिए बैग जाके फिर आगे बात करते हैं। जो लोग यहाँ से सप्लीमेंट्री सीट्स UTD MDU, जो लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं कर सकेंगे। तो क्लिक करना है, जैसे सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर MBA 5 ईयर इंग्रेटेड, MBA होनर्स, MA म्यूज़िक, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप लोग यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं। तो इसके लगभग ये मान लीजिए सभी कोर्स की लास्ट डेट है 31/10, तो ये मान लीजिए 31 तारीख 10वां महीना 2020 तक आपको ये फार्म अप्लाई करने होंगे। तो और भी बताऊँगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री सीट्स MDU कैप्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर भी कुछ सीट्स अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं MBA के अंदर अभी एडमिशन चल रहे हैं, LLM में चल रहे हैं, LLM सेकेंड शिफ्ट CVCS में भी चल रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग ले सकेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ एडमिशन कैसे लेना है, तो समझिएगा पूरी वीडियो को। तो यहाँ पर एग्जिटिंग UTD कैप्स स्टूडेंट एडमिशन फीस एंड पेमेंट, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है आपको।
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, और इंटरफेस आने के बाद सिंपली थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है। अगर आप लोग फ्रेश स्टूडेंट हो तो तब भी आप यहां से अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज रिपेयर हो कैसे भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहां से अप्लाई कर पाओगे। तो सिंपली E2DB वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्रिएट योर अकाउंट फॉर स्टूडेंट हैविंग MDO रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग करना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक हर टू एडमिशन हैविंग पे क्लिक करोगे तो यहां पर वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड, तो आपको मोबाइल नंबर डालना और ईमेल आईडी डालनी है, और आपको सेंड ओटीपी और आपका रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो जाओगे आप। उसके बाद आपसे भी फिलअप फॉर्म भरा जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से भर पाओगे। अगर इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, इतना ही बताना था इस वीडियो में। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।